A very good morning to all of you students. We are going to cover chapter number 3, exercise 3.3 today. It is actually based on the test of divisibility of different numbers. So, हर number को divide करके check नहीं कर सकते कि उसका remainder 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा. Because it is time consuming. जब हम LCM और HCF करते हैं, तो we understand कि ये number ओरिजिनली नंबर किससे डिवाइड होगा हमें नहीं समझ आ रहा, राइट. सो देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड कि वेदर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट. सो स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10. हम डिविजिबिलिटी बाय 10 मतलब कि कोई नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग बता सकती हूँ कि 10 के टेबल में आता होगा. कैसे? द रूल इज zero in the ones place. That means there should be zero in the ones place. अगर ऐसा है तो वो number का 10 के table में जरूर आता होगा. For example, I say 5090. क्या ये number आता होगा 10 के table में? तो what I will check किसकी ones place पे? Ones place पे क्या है? Zero है. अगर ones place पे zero है, that means कि ये 10 के table में आता होगा. तो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग मैं ये बता दूंगी कि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा. इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल. नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 की चेक करने के लिए क्या है रूल? 0 और 5 इन द वंस प्लेस. दैट मीन्स उसकी वंस प्लेस पे दो नंबर्स का ऑप्शन दे रही, या तो 0 या तो 5 हो. अगर 0 है तो भी वो 5 से डिविजिबल है, अगर 5 है तो भी वो 5 से डिविजिबल है. तो सिर्फ हमें क्या चेक करनी है? वंस प्लेस चेक करनी है. कीपिंग द नंबर सेम 5090, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज इसके वंस प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है? 0. लेट सपोज आई हैव अ नंबर 49955. सो नाउ हियर अगेन इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करके चेक करूंगी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. नो, आई हैव अ ट्रिक फॉर इट. आई विल जस्ट कंसीडर द वंस प्लेस. वंस प्लेस आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके वंस प्लेस पे नंबर है 5. सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो आई विल से यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट हैज 5 इन इट्स वंस प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2. सो आप यहाँ पे ये तीनों का देख रहे होंगे कि इन तीनों का एक रूल क्या है कि हम सिर्फ वंस प्लेस को देख रहे हैं. सो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि हम अलाउ करते हैं 5 नंबर्स को और हम कहते हैं अगर ये 5 में से कोई भी एक नंबर है वंस प्लेस पे तो हम कहते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से. और वो 5 नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6, 8. So if a number has 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place, then I will say yes, it will be definitely divisible by 2. For example, जब हमें LCM और HCF निकालने वाली question होती है और एक number ये दे रखा है, तो जब हम division start करते हैं, तो कैसे मैं कर देती हूँ कि इससे हो जाएगा, इससे नहीं हो जाएगा? Because I have learned these divisibility tests. So I can simply say कि नहीं 2 से नहीं हो सकता. क्यों? By comparing the ones place. Ones place पे देखा क्या है? Ones place पे है number 7. So 7 को हमने place नहीं दे रखी. Next moving on to divisibility by 3. So यहाँ तक के rules क्या थे? They were about comparing the ones place. अगर आपने देखा हो common. ठीक है, अब हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3 की. 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो भी नंबर है, राइट, कोई भी नंबर है, आप उसकी एक एक डिजिट को ऐड कर लो. ठीक है, अगर आपके पास जो सम आता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, अगर वो मल्टीपल है 3 का, अगर वो जो सम निकला है वो 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा. लेट सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर 69. नाउ 69 को 3 से एक्चुअली से डिवाइड करके देखूंगी तो आप कहोगे ये तो इजी है क्योंकि टू डिजिट नंबर है. बट अगर हम बात करें तो इसका रूल क्या कहता है? 6 और 9 इसकी डिजिट्स हैं,
तो मैं 6 में प्लस 9 करके चेक कर लेती हूँ, 6 प्लस 9 कितना होता है 15, चलो किसी को 15 में भी दिक्कत है ना, तो वो उसका भी आके सम ऑफ द डिजिट कर सकता है कि 5 प्लस 1 कितना होता है 6, क्या 6 3 के टेबल्स में आता है? हाँ आता है, दैट मीन्स 69 भी 3 के टेबल में आता होगा. सो यू कैन डू द सम ऑफ द डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग दिस नंबर ओनली 1 प्लस 1197, ये 3 के टेबल में आता होगा. लेट्स चेक, 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7, मैंने इसकी अलग अलग एक एक डिजिट को ऐड करना है, ठीक है. सो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 9 11 11 प्लस 7 18. अगर 18 का भी नहीं पता कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता तो बुरी बात है, बट अगर आपको उसको और सिंपल करना है यू कैन डू 1 प्लस 8 ऑल्सो. सो नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 9 आता है 3 के टेबल में, हाँ आता है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा. सो इट टुक मी जस्ट 1 मिनट टू टेल कि 1197 मैम किसके टेबल में आता होगा, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6. अगर किसी को चेक करना हो कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, सो व्हाट रूल वी हैव, नाउ यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली. 6 इज मेड बाय अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 3. 6 कैसे बनता है, मैंने लिखा हुआ है 2 इंटू 3, वही इसका रूल है. इट सेज कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स है ना, उनको मल्टीप्लाई करके तो 6 बने, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 बने. तो 6 कहता है अगर कोई 2 के साथ भी फ्रेंडशिप करता है और 3 के साथ भी फ्रेंडशिप करता है तो वो मेरा फ्रेंड भी हो जाएगा, बट इनमें से किसी एक के साथ भी फ्रेंड नहीं रहा तो वो 6 के साथ भी फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है. सो 2 और 3 का टेस्ट हमें पता ही है. सो अगर क्वेश्चन आते हैं कि चेक करो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 2 से, फिर 3 से. अगर दोनों में आंसर यस आ रहा है तो 6 का भी यस होगा. जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसमें यही पूछा है कि चेक करो डिविजिबिलिटी बाय 6. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन नंबर. मैं नंबर ले रही हूँ 4 3 8 4 3 8 7 5 0, ठीक है. अब मेरे को पहले इसको किससे चेक करना है, 2 से, फिर चेक करना है 3 से. क्या ये 2 से डिविजिबल है? लुक एट द नंबर, लुक एट इट्स वंस प्लेस पे 0 है, और 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है. यस, यू कैन राइट यस बिकॉज द वंस प्लेस हैज 0 इन इट. अब 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं. 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0 कितना होता है? 4 प्लus 3 7 7 plus 8 15 15 plus 5 20 20 plus 7 27 27 plus 0 is 27 27 का भी नहीं पता तो वेरी बैड, आपको 3 का टेबल नहीं आता, 3 9 से 27 होता है. चलो कोई नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन डू 2 plus 7 ऑल्सो. 2 plus 7 कितना होता है? 9. 9 3 के टेबल में आता है, yes. तो मतलब ये भी 3 के टेबल में आता होगा. अब क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है तो वी से कि यस इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी हैव डन डिविजिबिलिटी ऑफ 3. 3 में हमने क्या किया था, सम ऑफ द डिजिट्स. सेम ही 9 का होता है, हमें यहाँ पे भी क्या करना होता है, सम ऑफ द डिजिट्स. तो सम ऑफ द डिजिट्स को हम किससे चेक करते हैं कि अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन नंबर, लेट सपोज द नंबर है 6 6 8 9. मुझे चेक करना है कि ये नंबर क्या 9 की टेबल में आता है या नहीं आता. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड द नंबर्स 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9. चलो चेक करते हैं, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 9 29. क्या 29 आता है 9 की टेबल में? नो. सो आई विल
कल से कि 668 नाइन की टेबल में नहीं आता, मैंने एकदम देखते ही बता दिया। हाउ सम ऑफ द डिजिट्स करने, अगेन डिजिट्स को उठा के उनका सम करने सिंगल सिंगल, उसके बाद जो सम आएगा उसको चेक करने कि वो नाइन की टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। सो अगर वो आता होगा तो होल नंबर भी जो अलग अलग डिजिट से नंबर बना था वो भी नाइन की टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय फोर, फोर की डिविजिबिलिटी चेक करना का रूल ये है कि उन्होंने टू डिजिट नंबर के लिए कोई रूल नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल 75 है तो आपको उसको डिवीजन से ही चेक करना पड़ेगा कि वो फोर के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बट टू डिजिट से बड़ा नंबर जो है, थ्री डिजिट नंबर, उसके लिए उन्होंने रूल दे रखा है। उन्होंने क्या बोल रखा है कि आप वंस एंड टेंस प्लेस पे जो नंबर है, सो आई एम राइट टेंस एंड वंस पे जो नंबर है आप उसको चेक कर लो, तो आप अगर वो फोर से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी फोर से डिविजिबल होगा। सो लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3860, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है तो इसके टेंस और वंस प्लेस पे क्या नंबर है, सिक्स और जीरो। अब सिक्स और जीरो को अलग अलग नहीं चेक करना, सिक्स जीरो से नंबर क्या बन रहा है, 60। तो मेरे को चेक करना होगा क्या 60 फोर के टेबल में आता है, लेट्स चेक। तो फोर वन जा फोर, रिमाइंडर बचा है टू, नीचे आया जीरो, ठीक है। फोर के टेबल में 20 आता है, 5 आता है, यस, और आंसर आ गया जीरो। दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या चेक करनी है, सिर्फ लास्ट की टू डिजिट्स को चेक करने है हमें कि वो फोर के टेबल में आ रही है। अगर लास्ट की टू डिजिट्स फोर के टेबल में आ रही है तो पूरा नंबर भी फोर से डिविजिबल होगा, ओके। जैसा रूल फोर का है वैसे ही रूल एट का है, बट एट उससे बड़ा नंबर है, फोर का डबल है, तो वो कहेगा मैं रूल तो सेम रख रहा हूँ बट तूने लास्ट की टू डिजिट्स चेक की, मैं लास्ट की थ्री डिजिट्स चेक करूंगा। सो द रूल इज कि हम यहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू को देखते हैं, जो लास्ट थ्री डिजिट से जो नंबर बन रहा होता है हम उसको चेक करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें 3860, क्या ये एट के टेबल में आता होगा, तो इसको चेक करने के लिए मुझे 860 लास्ट की लास्ट थ्री डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। तो 380 को कंप्लीटली डिवाइड करूं या इसके आगे कोई और भी नंबर होता है, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने से अच्छा क्या है, 8 से अगर चेक करना है तो 860 के टेबल, 860 आता है उसके टेबल में, हम वो चेक कर लेते हैं। सो 8 वन सा 8, देन नेक्स्ट कम 6, 6 नहीं आता तो 0 लगा देते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं 60, क्या 8 के टेबल में 60 आता है, चेक करो, जस्ट हेल्प मी फास्ट। 6 8 8 7 56, और बचा रिमाइंडर 4। अब 4 तो आता नहीं है, सो माय रिमाइंडर इज कमिंग, सो दैट मीन्स ही कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पूरा नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ओके। थैंक यू क्लास, वील डू द डिविजिबिलिटी बाय 11 लेटर टुमारो, एंड यू कैन नाउ डू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर 11 की डिविजिबिलिटी छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आपको अभी नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना अभी, ठीक है। सो लीविंग दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू कंप्लीट दीज थ्री थिंग। क्वेश्चन नंबर 1 करना है सारा टेबल एक्सेप्ट फॉर 11 का कॉलम, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू क्लास।